हेलो दोस्तों, अदिपुर पुरुष का टीजर देखा मैंने। मेरी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी अदिपुर पुरुष के टीजर से, अदिपुर पुरुष मूवी से, क्योंकि तानाजी के डायरेक्टर बना रहे थे। और जैसे ही मैंने अदिपुर पुरुष का टीज़र देखा कल, मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मेरे को ऐसा हो गया कि क्या है, मतलब क्या बना दिया। मतलब कि अभी मैं कुछ बोल नहीं सकता कि फिल्म कैसी है, क्या बनाई है, पर कुछ भी दिख रहा है उसमें। कार्टून वेब सीरीज़ होती है ना, जैसे कार्टून सीरीज, जैसे 20 साल पहले कोई छोटा भीम की सीरीज़ आती थी या कृष्ण भगवान की कार्टून नेटवर्क पर सीरीज़ आती थी, ऐसा दिखाई दे रहा है। मतलब कि एनिमेशन के नाम एनिमेशन मूवी लग रही है, ये कोई रियल लाइफ मूवी नहीं दिखाई दे रही है, एक एनिमेटेड मूवी लग रही है पूरा सब कुछ। और प्रभास एक बहुत बेहतरीन एक्टर हैं और बाहुबली में इतने बेहतरीन दिखे हैं, पर वो एक तो पहली बात वो राम नहीं लग रहे हैं, कहीं से भी भगवान श्री राम नहीं नज़र आ रहे हैं। प्रभास उनकी जो पर्सनैलिटी है, जो उनका जो लुक दिया है, वो कहीं से भी भगवान श्री राम का नहीं लग रहा है। और जो उसमें हनुमान जी हैं, वो भी मुझे बिल्कुल भी हनुमान नहीं लगे। पता नहीं किस तरीके की कास्टिंग की है, किस तरीके का VFX दिखाया है, एक एनिमेटेड मूवी दिखाई दे रही है। और अदिपुरुष नाम जैसा बताया था, कि बता रहे थे कि बहुत बड़ा बजट है, बहुत बड़ी मूवी है, ओम राउत जी बना रहे हैं, जिन्होंने तानाजी जैसी बेहतरीन फिल्म बनाई है। तानाजी बनाने के बाद प्रभास बाहुबली के एक्टर, ये लोगों ने मिलके ये फिल्म बनाई है। फिल्म तो अभी नहीं देखी, पर टीज़र देख के साफ साफ दिख रहा है कि एक एनिमेटेड मूवी और बहुत ही लो तरीके की मूवी दिख रही है। और स्टोरी जैसे कि अगर रामायण और महाभारत देखिए, तो उसमें बहुत क्राउडी, एकदम भीड़ भड़ाका सब दिखाई देता है। टीज़र में सिर्फ प्रभास और सैफ अली खान नज़र आ रहे हैं। सैफ अली खान भी कहीं से रावण नहीं लग रहे हैं। तो रावण की पर्सनैलिटी होती है, जो रावण जैसा हमने सोचा है, इमेजिन करते हैं हम रावण, तो रावण अमरीशपुरी जैसे अमरीशपुरी है, जैसे पुरानी वाली महाभारत 1988 में आई थी, जो बहुत ही फेमस महाभारत है, वैसे नज़र आते हैं। महाभारत में जैसे कंस थे, रामायण में जैसे रावण थे, ऐसे रावण मतलब कि नज़र आते हैं। पर सैफ अली खान बिल्कुल भी उस तरीके के नज़र नहीं आ रहे। सैफ अली खान तो अपने ओमकारा मूवी के लंगड़ा त्यागी नज़र आ रहे हैं, कि लंगड़ा त्यागी को रावण का रोल दिया है। तो फिल्म अच्छी होती तो मैं तो बहुत एक्साइटेड था इस फिल्म के लिए, कि भाई अदिपुरुष जैसी मूवी आ रही है, रामायण के ऊपर बेस्ड है और प्रभास बन रहे, पर उनका लुक बिल्कुल भी राम जैसा नहीं है। और सैफ अली खान रावण नहीं नज़र आ रहे, हनुमान जी नहीं लग रहे। महाभारत और रामायण जैसी मूवीज़ को इस तरीके से बनाना मुझे नहीं लगता कि कुछ खास है, कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है। बहुत ही सस्ते बजट का VFX यूज़ करके इन्होंने फिल्म बनाई है। और अभी ट्रेलर देख के डिसाइड होगा कि ये क्या दिखाना चाह रहे हैं, मतलब ट्रेलर में पता चलेगा। ट्रेलर मुझे लगता है क्रिसमस पे आएगा, लगभग क्रिसमस पे या उससे पहले ही आ जाएगा, शायद दिवाली पे ही आ जाए इसका ट्रेलर। पर बिल्कुल मज़ा नहीं आया, एक्साइटमेंट ख़राब हो गई पूरी। और सारे जितने भी कीर्ति सेनन, सीता नहीं लग रही है सबसे बड़ी बात। कीर्ति सेनन एक पतली दुबली हीरोइन लग रही है, और कहीं से भी सीता वाला फील नहीं आ रहा माता सीता का। और ना भगवान राम लग रहे हैं, ना हनुमान जी लग रहे हैं, ना, और उसमें सनी सिंह भी हैं, उनको अभी ज़्यादा दिखाया नहीं है। पर जिनका जो भी रोल होगा वो देखने लायक होगा, क्या वो कर रहे हैं, लक्ष्मण के रोल में है शायद वो। और मुझे तो अदिपुरुष का ट्रेलर टीज़र बिल्कुल पसंद नहीं आया। अब ट्रेलर का इंतज़ार है, व्यूज़ बहुत आ गए हैं, अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं उस ट्रेलर को आए हुए, टीज़र का आए हुए, और 65 मिलियन व्यू आ गए। और लोगों को भी सच में ये पसंद नहीं आया, क्योंकि उसके लाइक्स बहुत कम है, 800-900K लाइक है 65 मिलियन व्यूज़ के बाद। कम से कम 2 मिलियन लाइक होने चाहिए थे। बाकी फिल्मों के जो लाइक्स होते हैं, ट्रेलर के लाइक, जो ऐड नहीं लगाते, उनके लाइक्स बहुत अच्छे आते हैं, 50 मिलियन पे ही 1.5 मिलियन 1.5 मिलियन लाइक्स आ जाते हैं। अदिपुरुष की जैसी डिमांड थी, उस तरीके से इसका रिस्पॉन्स नहीं मिला। बहुत मीम बन रहे हैं, छोटा भीम टॉम एंड जेरी के साथ उसे कंपेयर करके मीम बनाया जा रहा है सोशल मीडिया पर, एकदम नेगेटिविटी फैल चुकी है अदिपुरुष को लेके, तो बहुत ही चिंताजनक है ये। और ऐसी फिल्म अब हम ट्रेलर देख के डिसाइड करेंगे ये फिल्म किस तरीके से बनाई है ओमराज जी ने। बाकी आगे की अपडेट के लिए मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और लोगों को आपको कैसा लगा है अदिपुरुष का ट्रेलर मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए। और अपडेट के लिए आगे बने रहिए, तब तक के लिए टाटा।